बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिस्ट्री मिस्ट्री की मौजिस दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो नहायत ही खास है। देखिए, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, और इससे भी अनोखी और अद्भुत है हमारा ब्रह्मांड, यानी कि हमारा अंतरिक्ष, हमारे ब्रह्मांड, हमारा सौर मंडल इतना विशाल है, इतना विशाल है कि कोई भी, आप यकीन मानिए, कोई भी इसकी ख्वाबों में भी कल्पना नहीं कर सकता कि ब्रह्मांड कितना विशाल और कितना अद्भुत है। देखिए, ये कहना मुश्किल है कि हमारे अलावा भी कोई जीवन मौजूद है या नहीं है, ये भी एक कहना मुश्किल है, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में, इतने बड़े सौर मंडल में, जहाँ कई गैलेक्सी है, कई सितारे हैं, कई सूरज है, कई चांद है, इनमें से कहीं ना कोई तो जीवन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, ये अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन 1941 में रोजवेल में कुछ ऐसा देखा गया कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अमेरिका 1941, रोजवेल में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा घटा कि आप सुन के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। 1941 में एक रात में वहाँ पे जब आम शाम की तरह लोग टहल रहे थे, उन्होंने कोई अजीब वस्तु आसमान में उड़ते हुए देखी। पहले उन्हें लगा कि अमेरिकन वायुसेना का कोई प्लेन होगा, फिर लोग उस पर तब ध्यान नहीं देने लगे। लेकिन जुलाई की रात में वहाँ पे अचानक एक धमाके की आवाज आई और कुछ आग का गोला सा जमीन पे टकराया और वहाँ से धुआं निकलने लगा। लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि ये आग का गोला है क्या, ये धुआं कहाँ से आ रहा है। जब लोग उसके पास गए तो उन्होंने एक आश्चर्यचकित हो गए कि इस तरह का एक चीज देखा जो वो लोग कभी नहीं देखे थे। आज से पहले लोगों ने कभी ऐसी चीज को देखा नहीं था, ना उसके बारे में पढ़ा था, ना सुना था, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं थी। आसमान से एक उड़ंत तस्तरी आके गिरी जिसका आकार एक फ्लाइंग डिस्क की तरह था, गोल घुमावदार, एकदम मानिए एक चक्की की तरह आकार वाला चीज जमीन से टकरा के बिल्कुल टूट के उसमें आग लग चुकी थी। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो लोगों ने उसके बारे में पुलिस को इत्तला दी, और पुलिस ने आके इसके बारे में छानबीन की, पुलिस ने FBI को इत्तला दी। वहाँ के सैन्य आए, वो लोग देखे और देख के हैरान हो गए। वहाँ के उच्च अधिकारी को उन्होंने बताया कुछ ऐसा अजूबा गिरा है, तो वहाँ के जो मेन आर्मी के जनरल थे वो आके चेक किए। उन्होंने कहा कि ये कुछ अजूबा है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। इसके बारे में लोकल न्यूज़ में भी छपने लगा कि वहाँ पे कुछ अद्भुत गिरा है, और लोग आस्ते आस्ते बात जंगल की आग की तरफ फैल गई कि वहाँ पे एक UFO क्रैश हुआ है। देखिए, वहाँ पे 3 बॉडी मिले जो कि बिल्कुल इंसान के नहीं थे। वो बॉडी 3 फुट से कम लंबे थे और छोटे छोटे थे, और वो बॉडी को मानव नुमा तो नहीं कहा जा सकता। तो पहली बार ऐसा हुआ दुनिया में कि UFO देखा गया। इससे पहले आज तक ना कोई UFO के बारे में जानता था, ना UFO के बारे में किसी ने सुना था। पहली बार इंसान ने कोई ऐसी चीज़ देखी जो कि इंसान की अक्ल को भी दंग कर देती थी, इंसान के सोच से भी परे थी, इंसानों को कुछ समझ भी नहीं आया। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस 3 बॉडी को उठाया और लेके चले गए। विलियम्स हॉफमैन को उस डेड बॉडी के प्रार्थना के लिए बुलाया गया था जो कि रोजवेल में एलियन का मिला था। देखिए, जब रोजवेल में डेड बॉडी मिली, जब प्लेन क्रॉस हुआ एलियन स्पेस से, ऐसा कहा जाता है, तो विलियम्स हॉफमैन को जब बुलाया गया तो विलियम्स हॉफमैन ने देखा कि वहाँ कई सारे FBI के एजेंट, कई सारे पुलिस वाले, कई सारे रिपोर्टर और मिलिट्री के लोग थे। उन्होंने एलियंस के लिए दुआ की, प्रार्थना की, क्योंकि वो चर्च के फादरी थे। उन्हें प्रार्थना के लिए बुलाया गया, उन्होंने उन डेड बॉडी का अंतिम प्रार्थना की, और पुलिस और मिलिट्री के द्वारा उन्हें समझाया गया कि आप ये कहानी के जिक्र किससे ना करें, और आप इसके बारे में बात ना करें, और आप इसके बारे में किसी को ना बताएं। लेकिन विलियम हॉफमैन को लगा कि उन्हें अपने परिवार के साथ ये कहानी साझा करनी चाहिए। जब उन्होंने अपने परिवार के साथ ये कहानी साझा की, उन्हें कुछ अजीब व गरीब चीज़ मिला। वो कहते हैं कि वो पेपर की तरह था जो उसे वो क्रश नहीं कर सकते थे। जैसे पेपर मुड़ जाता है, वो मुड़ता नहीं था, वो अपने आप सीधा हो जाता था, उसमें एक दाग भी नहीं और खरोच भी नहीं आता था। विलियम्स हॉफमैन को ये बहुत अजीब लगा। वो अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ ये कहानी को शेयर करने लगे। जब उन्होंने ये कहानी अपने बच्चों के साथ शेयर किया, तो उनकी ग्रैंड डॉटर ने इस कहानी के बारे में विलियम्स हॉफमैन के मौत के बाद सबको सच्चाई पूरी बताई कि वहाँ कुछ उन्होंने देखा था। फिर लोगों को कुछ समझ भी नहीं आया। फिर कई दिनों के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने फैसला किया। जब अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर दबाव पड़ा कि आप रोजवेल की घटना के बारे में पूरी कहानी बताएं, उसकी पूरी सच्चाई बताएं,
तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि रोजवेल के बारे में कुछ ना बताया जाए, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी के लिए था, उन्होंने ऐसा कहा। और उन्होंने कहा कि रोजवेल में जो गिरा था वो कोई एलियन शिप नहीं, बल्कि आसमान से उठता हुआ एक गुब्बारा था, एक मौसमी गुब्बारा। उन्होंने कहा कि एक मौसमी गुब्बारा था जिसे लोगों को भ्रम हुआ, और वहाँ के लोगों को लगा कि कोई एलियन शिप होगा। लेकिन रोजवेल में कुछ तो गिरा था, वहाँ ने लाखों लोगों ने कुछ तो देखा था, मिसौरी में, अमेरिका में कुछ तो हुआ था, या फिर रोजवेल सचमुच एक मौसम का गुब्बारा था, ये आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। देखिए, रोजवेल के बारे में चाहे तो आप गूगल में भी सर्च करके इसकी पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। और रोजवेल एक अजीब व गरीब कहानी है, और एक अजूबों से भरा हुआ कहानी है। और रोजवेल के बारे में आज भी रहस्य जैसे का वैसा बना हुआ है, जस का तस है। और रोजवेल के बारे में आज से 50 साल पहले जो घटा था, से 70 साल पहले, आज भी वो एक मिस्ट्री बना हुआ है। हमें लगता है कि रोजवेल की कहानी ऐसे ही लोगों को आश्चर्यचकित करती रहेगी, क्योंकि उससे पहले कोई एलियन के बारे में ना जानता था ना सुना था। और रोजवेल की घटना के बाद अमेरिका बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया, दुनिया में वो हर तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस हो गया। क्या उन्हें कोई सचमुच कोई एलियन शिप मिला था, या फिर वो सचमुच कोई मौसम का गुब्बारा था, या फिर लोगों को धोखा हुआ था, या फिर लोगों ने सचमुच कोई बाहरी अंतरिक्ष के जीवों को देखा था, परजीवियों को देखा था, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन अब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी, और हम आप तक ऐसे इंटरेस्टिंग और नए नए कहानी लेके आते रहेंगे। तब तक दीजिए आपके दोस्त को इजाज़त।